नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि JPINS एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने JPINS जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच काफी नोक झोंक होने लगी। और सपा अध्यक्ष का ये आरोप है कि योगी सरकार जेपी सेंटर को बेचना चाहती है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और सपा शासन काल में इसको लेकर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत इसमें लगाई गई थी। हालांकि जांच और सियासत के चलते अब जेपी सेंटर काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर खंडर में तब्दील हो चुका है और परिसर के अंदर काफी झाड़ियां भी उग गई हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो वही अब आपको बताते हैं कि आखिर जेपी सेंटर क्या है और क्यों इसको लेकर ये पूरा विवाद जो है लखनऊ की सड़कों के ऊपर नजर आ रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के शासन काल में साल 2012 के अंदर इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज के ऊपर जेपी प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू हुआ था। साल 2017 तक इसके अंदर करीब 860 करोड़ रुपए भी खर्च हो चुके हैं और रियल एस्टेट कंपनी शालीमार ने इसका निर्माण किया। 17 मंजिल इस इमारत के अंदर पार्किंग, जेपी नारायण से जुड़ा एक म्यूजियम और बैडमिंटन कोर्ट के साथ लॉन टेनिस से खेलने की व्यवस्था और साथ ही एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बनाया गया। इसके अलावा करीब 100 कमरों का एक बड़ा गेस्ट हाउस भी इसके अंदर तैयार है और खास बात इसमें यह है कि 17वीं मंजिल के ऊपर एक हेलीपैड भी बनाया गया, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव का यह आरोप है कि योगी सरकार इसको बेचना चाहती है। आपको बताते हैं कि साल 2017 तक जेपी सेंटर का करीब 80% काम पूरा हो गया था। योगी सरकार बनने के बाद इसका निर्माण रुकवा दिया गया और निर्माण कार्य के अंदर काफी गड़बड़ी मिलने को लेकर योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए। जांच के चलते इसका पूरा निर्माण नहीं हो सका है और अब यहां महंगी टाइलों के बीच झाड़ियां भी उगाई, नशेड़ियों का अड्डा ये बताया जाता है और शाम होते ही यहां पर काफी बड़े पैमाने पर नशेड़ी जमा हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी का अब ये आरोप है कि जेपी सेंटर के अंदर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है और साथ ही कुछ ऐसी चीज है जिससे लोग आसानी से समाजवाद को समझ सकते हैं। योगी सरकार इसे निजी कंपनियों के हाथों बेचना चाहती है। इससे पहले भी 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सेंटर पहुंचे थे और वहां पर टीन शेड से ढकने का काम किया जा रहा था। इसे देखकर अखिलेश यादव सरकार के ऊपर काफी नाराज हुए थे और उन्होंने हमलावर होकर सरकार के ऊपर निशाना साधा था। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल भी जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेपी सेंटर के अंदर गेट पर चढ़कर घुस गए थे और उस समय भी भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर खूब जमकर वायरल हुआ था और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती नजर आई थी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जेपी सेंटर के ऊपर कब तक सियासत होती है और समाजवादी पार्टी और योगी सरकार कब कब जेपी सेंटर को लेकर आमने सामने आती रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।